हेलो एंड व्हाट्सअप फ्रेंड्स, आई एम शान, यू आर वाचिंग एमएसशान 11। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ iOS 15 के कुछ ऐसे फीचर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो आपका सफारी ब्राउज़र के अंदर है, जो आपका ग्रुप टैब है। सिंपल से आपको यहाँ टैब ओपन करनी है, कोई भी न्यू टैब ओपन करनी है, और न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको जो ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ मल्टीपल टैब। यहाँ आप जैसे मल्टीपल टैब ओपन करते हो, जैसे आप ऑफिस टाइम में कुछ वर्क करते हो, तो उसके लिए आपको मल्टीपल 3 या 4 टैब एक साथ ओपन करनी है, तो आप यहां से ग्रुप टैब का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रुप टैब में आप 3 या 4 टैब एक साथ ओपन कर सकते हो। सिंपल से आपको नीचे दिख जाएगा ग्रुप टैब का ऑप्शन, यहां आप ग्रुप टैब पर क्लिक करना है और यहां आपको ग्रुप टैब का नाम दे देना है। मैं यहां पर कोई भी ऐसी नाम डाल देता हूँ। जैसे आप नाम डालोगे तो यहाँ आपको एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। इस टैब के अंदर आप 3 से 4 टैब एक साथ या जितनी चाहें आप टैब ओपन कर सकते हो, और जो आप एक बार में खोल सकते हो इस नाम के थ्रू। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपकी 3 से 4 टैब वो एक साथ ओपन हो जाएंगी, 3 से 4 वेबसाइट आपकी एक साथ ओपन हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट फीचर है वो आपका आता है स्लाइड लेफ्ट एंड स्लाइड राइट। ये आपका फीचर है। आपने कुछ भी न्यू सर्च किया, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर व्हाट्सअप, व्हाट्सअप सर्च करने के बाद मुझे यहाँ न्यू टैब पे अगर रहना है तो सिंपल से मैं यहाँ से जाके न्यू टैब पे जाता था। लेकिन जो आप फीचर आया वो आप स्लाइड राइट करोगे तो आपको न्यू टैब ओपन होकर दिख जाएगी, और आप स्लाइड लेफ्ट करोगे तो आपको जो मल्टीपल टैब जो आपने ओपन कर रखी है वहाँ से आप मल्टीपल टैब के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हो। यहाँ से कुछ भी आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सिंपल से नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फीचर जो आपका आता है वो आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ आपको फ़ोटोज़ को डाउनलोड करना पड़ता था। अगर आप फ़ोटोज़ को डाउनलोड करोगे तो यहाँ टाइम लगता था, लेकिन अब जो फीचर आया वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सिंपल से आपको किसी भी एक फ़ोटो पर क्लिक करना है। मैं यहाँ आईफोन की फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल से क्लिक करना है और मल्टीपल फ़ोटोज़ को आप एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल जैसे आप फ़ोटो सिलेक्ट की और आपने होम बटन दबाया और फ़ोटोज़ में जाइए, फ़ोटोज़ में जाके आपको यहाँ सिर्फ सिंपल से छोड़ देना है और जो आपकी फ़ोटो है वो आपकी यहाँ आ चुकी है बिना किसी डाउनलोड के। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर लगा। जो आपका ये फ़ीचर है ये पहले आपका लैपटॉप और पीसी में आया करता था, लेकिन जो अब ये फ़ीचर है ये आपका अब आने लगा है iOS में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आप डायरेक्ट यहाँ से वेबसाइट या किसी की लिंक शेयर कर सकते हो। आपको लिंक को उठाना है और सिंपल से मैसेज में जा रहा हूँ, मैं मैसेज में जाके आपको यहाँ छोड़ देना है, तो आप पूरी की पूरी लिंक उठा के यहाँ से सेंड कर सकते हो बिना कॉपी करे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ीचर लगा। चलिए आपको नेक्स्ट फीचर बता देता हूँ। जो आपका नेक्स्ट फीचर है वो ब्राउज़र के अंदर ही है। ब्राउज़र में आपको जो सर्च बार दिख रहा हो वो सर्च बार आपका नीचे दिख रहा है। इससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है टाइपिंग करने में, तो सिंपल से आपको डुअल ए पे क्लिक करना है। डुअल ए पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा ऑप्शन शो टॉप बार एड्रेस, जो आपको क्लिक करना है तो आपका जो सर्च बार है वो ऊपर चला जाएगा iOS 14 की तरह। अगर आपको इसको दोबारा से नीचे लाना है तो सिंपल से शो बॉटम बार, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है वो आपका सर्च बार वो वापस से नीचे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, जो कि आपका है एडिट फ़ोटो। सफारी ब्राउज़र में काफ़ी ज़्यादा आपके न्यू फीचर ऐड हुए हैं। सिंपल से आपको न्यू टैब ओपन करनी है, यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा नीचे एडिट का। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे, एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा बैकग्राउंड इमेज का। यहाँ आपको बहुत सारी इमेज दिख जाएंगी। आप यहाँ से डायरेक्ट फ़ोटोज़ की इमेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपकी फ़ोटोज़ एल्बम में इमेज है। मैं अपनी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इस ऑप्शन को ऑन करना है, और आपकी जो सफारी ब्राउज़र के अंदर वो आपकी डायरेक्ट आप फ़ोटो लगा सकते हो। इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लुक आता है आपकी सफारी ब्राउज़र के अंदर। इसमें पता लगता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लुक दिया गया है iOS 15 में। चलिए नेक्स्ट फीचर जो आपको बता देता हूँ वो आपका नोटिफिकेशन के अंदर। सिंपल सेटिंग में आपको नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशन में आपका आपको दिख रहा होगा समरी, सबसे ऊपर समरी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इसे ऑन कर देना है। ये फीचर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते हैं दिन में, मुझे काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऑफिस टाइम में कोई अननोन नोटिफिकेशन आए, तो इसलिए मैं इस समरी को ऑप्शन को ऑन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं टाइमिंग सिलेक्ट कर लूँगा 10 से 6। 10 से 6 के बीच में मेरा टाइम रहता है ऑफिस टाइम, जो आपका ऑफिस टाइम रहता है। इसमें मैं नहीं चाहता किसी भी अननोन पर्सन के मुझे मैसेज आए, तो मैं ऐप को सिलेक्ट कर लूँगा और देख लूँगा। जो आपके ऐप हैं वो आप सिलेक्ट कर लो, और इस ऐप जो आपने सिलेक्ट कर रखे हैं इन ऐप के आपको नोटिफिकेशन इस टाइम के बीच में नहीं आएंगे। जो आपके नोटिफिकेशन है वो आपके इस टाइम के बाद ही आएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट फीचर बता देता हूँ। सिंपल से जो आपका नेक्स्ट फीचर है वो आपका इसका बाप है। सिंपल से आपको स्क्रॉल अप करना है। यहाँ आपको दिख जाएगा गेमिंग मोड। ये पबजी लवर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है।
सिंपल से आपको जो ऑप्शन दिखेगा, यहाँ दो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, वर्क, ड्राइविंग और गेमिंग। गेमिंग मोड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसे एडिट भी कर सकते हो आप। सिंपल से एडिट करने के लिए आपको गेमिंग मोड को ऑन करना है। गेमिंग मोड को ऑन करने के लिए नीचे आपको सेटिंग दिख रही है, सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाके आप यहाँ ऐप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो तो उस वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये जो आपके मोड है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगे। सिंपल से आपको ऐप सिलेक्ट करने हैं जो आपके इंपॉर्टेंट ऐप हैं जिसके आप नोटिफिकेशन चाहते हो, और सिंपल से आपको कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने हैं जो आप कॉन्टैक्ट चाहते हो, जो आपके कॉन्टैक्ट मॉम डैड के कॉन्टैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, उन कॉन्टैक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिर्फ आप जो सिलेक्ट कॉन्टैक्ट है उन्हीं के आपको कॉल आएंगे, जो आपके सिलेक्ट ऐप है सिर्फ उन्हीं ऐप के आपको मैसेज आएंगे, उन्हीं ऐप के आपको नोटिफिकेशन आएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे। अगर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो या फिर आप पबजी लवर हो तो आप मॉम डैड के कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और बाकी किसी का आपको कॉल नहीं आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे। चलिए मैं नेक्स्ट फीचर आपको बता देता हूँ। जो आपका नेक्स्ट फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आपका फेस टाइम के अंदर है। फेस टाइम में आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट अ लिंक। क्रिएट अ लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट अ लिंक का। ये फीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा मुझे, क्योंकि जो आपका क्रिएट अ लिंक है ये आप किसी भी एंड्रॉयड यूज़र को शेयर कर सकते हो, और एंड्रॉयड यूज़र से आप डायरेक्ट फेस टाइम के थ्रू बात कर सकते हो। पहले जो ये फीचर था ये ओनली iOS में अवेलेबल था, आप सिर्फ इस फीचर को एंड्रॉयड के थ्रू भी बात कर सकते हो, और अब iOS के थ्रू भी बात कर सकते हो। जो आपके एप्पल के डिवाइस थे उनमें भी ये फीचर था पहले, लेकिन अब जो है आप iOS के थ्रू और एंड्रॉयड के थ्रू दोनों के थ्रू आप इससे बात कर सकते हो। सिंपल से आपको लिंक लेके कॉपी कर लेना है, या आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिंक शेयर कर सकते हो एंड्रॉयड डिवाइस को, जो आपका एंड्रॉयड डिवाइस है, अगर आपके फ्रेंड के पास एंड्रॉयड डिवाइस तो उसे शेयर कर सकते हो और डायरेक्ट फेस टाइम के थ्रू बात कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। चलिए नेक्स्ट फीचर मैं आपको बता देता हूँ। ये फीचर उनके लिए जिनकी आइट साइट वीक है। मैं किसी ऐप को खोल लेता हूँ, मैंने कैलेंडर खोला है जैसे, अब जैसे ये कैलेंडर खोला है, ये फीचर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरी मॉम के लिए। सिंपल से आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, जैसे आप सिंगल ऐप का टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हो, फुल स्क्रीन का नहीं ओनली सिंगल ऐप का, आप टेक्स्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हो। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके देख लीजिए, कैलेंडर का साइज जो आपका इंक्रीज़ हो चुका है। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन यूज़र को जिनकी आइट साइज थोड़ी वीक है और वो जूम करके कुछ देखना चाहते हैं, या टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं ओनली सिंगल ऐप का, क्योंकि फुल स्क्रीन का आप या फिर फुल होम स्क्रीन जो होती है उसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज़ करके वो थोड़ा ऑफवर्ड लगता है। सिंपल से यहाँ आप सिंगल ऐप का टेक्स्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा मुझे फीचर। आप यहाँ से डायरेक्ट होम स्क्रीन का भी कर सकते हो, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा लगा सिंगल ऐप का आप टेक्स्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा मुझे। नेक्स्ट मुझे जो अच्छी लगी iOS 15 में चीज़, वो है मैप के अंदर। गूगल मैप नहीं गाइस, ये आपका जो मैप है एप्पल का मैप है, ये मैप के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे चीज़ लगी है वो लगी है 3D इमेज में। यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ लंदन, जैसे मैं लंदन सर्च करता हूँ तो आपको लंदन का जो पूरा एरिया है वो पूरा 3D के अंदर एक एक पोर्शन दिखाएगा, एक एक आपकी जो बिल्डिंग है वो 3D के अंदर दिखा देगा। मैं आपको सर्च करके यहाँ दिखा रहा हूँ कितना क्लियर आ रहा है ये। अगर ये आपका इंडिया में आ गया ऑप्शन तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है इससे, क्योंकि ये गूगल मैप के अंदर अवेलेबल था लेकिन इतना क्लियर नहीं था जितना एप्पल ने इंक्रीज़ कर दिया है इसे। काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ पूरी बिल्डिंग को और बिल्डिंग के साथ की जो शेडो है ना वो भी आपको क्लियरली दिख रही होगी यहाँ पर 3D मैप के अंदर। इसे देख के तो मुझे पूरी पबजी वाली फीलिंग आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर ये इंडिया में आता है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट जो आपका फीचर है वो आता है आपका फ़ोटोज़ के अंदर। फ़ोटोज़ के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट की तो यहाँ फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आप स्वाइप अप करोगे। जैसे ही आप स्वाइप अप करोगे ना, स्वाइप अप करने के बाद तो आपको फ़ोटोज़ की पूरी डिटेल दिख जाएगी। यहाँ आपको फ़ोटोज़ की पूरी डिटेल दिख जाएगी, फ़ोटोज़ कितने मेगा पिक्सल की है, कितने एरिया साइज़ है फ़ोटो का, किस फ़ोन से ली गई है, और फ़ोटोज़ की जो आपकी KB है वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे फ़ीचर। मैं इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इस फीचर का, जो कि iOS में अभी अवेलेबल नहीं था। यहाँ आपको फ़ोटोज़ की लोकेशन तक दिख जाएगी, ये फ़ीचर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए बता देता हूँ आपको अगले नेक्स्ट फीचर के बारे में। जो आपका अगला नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है आपका मैसेजिंग के अंदर। अगला ऑप्शन आता है जो आप
जैसे मैसेजिंग ऑन करोगे तो ऑन करने के बाद आपको किसी ने मल्टीपल फ़ोटो सेंड कर रखी है या मल्टीपल फ़ोटो आपने सेंड कर रखी है, तो आप स्वाइप लेफ़्ट करके या उन फ़ोटोज़ को आप देख सकते हो या स्वाइप राइट करके उन फ़ोटोज़ को देख सकते हो, या आप किसी अदर ऑप्शन में नहीं जाना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा न्यू लुक लगा इससे। आप ऐसे ही डायरेक्ट देख भी सकते हो सारी एक साथ, लेकिन जो न्यू ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगला जो आपको दिखा देता हूँ मैसेजिंग के अंदर, जो आपका इमोजीज का ऑप्शन है, 40+ इंक्रीज़ किए हैं इमोजीज एप्पल ने iOS 15 के बाद। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इमोजीज लगे जो मुझे, 40+ इमोजीज हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे फ़ीचर लगे। ऐसे ही मज़ेदार फीचर्स के लिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और आगे बने रहिए हमारे साथ। आगे मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर।